नेक्स्ट जो है दो चीजें आपको बहुत अच्छे से समझनी है, एक है रोस्टर फॉर्म और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म इसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए क्वेश्चन आपको ऐसा आता है, रोस्टर फॉर्म को मैं, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन को रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो इसका मतलब उसको मैथ्स की फॉर्म में लिखना है, इसको ऐसे लर्न करिए, इसको मैथ्स की फॉर्म में लिखना है। और सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब होता है उसको इंग्लिश की फॉर्म में लिखना है। अब ये क्या होता है जी, इंग्लिश की फॉर्म क्या होती है और मैथ्स की फॉर्म क्या होती है, ये अब आपके लिए कन्फ्यूजन है। चलिए इसको हल करते हैं। अगर आपको एक क्वेश्चन ऐसे आ जाता है एक्स, इसको ऐसे पढ़ा जाता है एक्स सच डेट एक्स, एक्स ये कॉलम को सच डेट पढ़ते हैं, एक्स सच डेट एक्स इज एन इंटीजर एंड -3x7। तो आप ध्यान से देखिए, ये जो चीज है ये इंग्लिश में लिखी हुई है आपके सामने, ये जो चीज है ये आपके सामने इंग्लिश में लिखी हुई है। अब आपको इस इंग्लिश के वर्जन को मैथ्स के वर्जन में कन्वर्ट करना है तो उसको रोस्टर फॉर्म कहेंगे। कहने का मतलब ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ। अब इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे भैया, बहुत आसान है, आपको बस वो इंटीजर लिखने हैं जो -3 और 7 के बीच में हो। तो आपको बताइए वो क्या होंगे, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 नहीं होगा, 7 इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू नहीं दिया हुआ, अगर यहाँ पे इक्वल टू होता तो 7 होता। मैंने जानबूझ के 7 लिखा था ताकि आप लोगों को ये समझ में आए, आपको -3 और 7 के बीच की गिनती लिखनी है। तो ये मैथ्स फॉर्म होती है, मतलब मैथमेटिकल के रूप में लिखना है तो उसे रोस्टर फॉर्म कहते हैं। अगर हम इसी को इंग्लिश के रूप में लिखते हैं तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। जैसे अगर पेपर में उल्टा भी आ सकता है, आपको ये दे देगा, आपको -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 दे देगा और आपको कहेगा सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो, तो आप इसको ऐसे लिखोगे एक्स सच डेट एक्स, ये फॉर्मेट है, इसको ऐसे ही लिखना होता है, मतलब स्टार्टिंग ऐसे ही होगी, एक्स सच डेट एक्स इज एन इंटीजर, ये एक इंटीजर, ये इंग्लिश चेंज कर सकते हो तुम, आप ऐसे भी लिख सकते हो एक्स सच डेट एक्स इज सीधा -3 और 7 के बीच में है, मतलब जरूरी नहीं है कि आप इसको मेंशन करो इज एन इंटीजर, लेकिन अगर आप लिख दो ये बहुत अच्छी बात है, बट यस इसके अंदर ये कैच है, आप कर सकते हो। अगर आप नहीं भी लिखोगे इंटीजर तो ये चल जाएगा। जैसे कि मैं अब आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, चलिए प्रैक्टिस करते हैं। आपके पास एक क्वेश्चन है, हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में, आपको रोस्टर फॉर्म में दे रहे हैं, 5, 10, 15, 25। तो अब आप ध्यान से देखिए ये क्या है, ये 5 का टेबल है 25 तक। तो अभी अगर मैं आपको कहूँ इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो, क्यों, क्योंकि रोस्टर फॉर्म में तो ऑलरेडी है, इसको मैं इंग्लिश फॉर्म में लिखना चाहता हूँ तो कैसे लिखेंगे, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा एक्स सच डेट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 5, 5 का मल्टीपल है जी, एंड जो ये एक्स है वो किस इज अ मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5, और आप ऐसे इसको ऐसे ना लिख करके इसको ऐसे लिखिए, थोड़ा सा और आसान कर देते हैं, एक्स एज एट एक्स इज 5n, ये 5n है, वेयर n जो है वो लाई कर रहा है आपका किस किसके बीच में, 1 और 5 के बीच में। देखिए जब n की वैल्यू 1 डालोगे तो 5 आ गया, 2 डालोगे तो 10 आ गया, 3 डालोगे तो 15 आ गया, 4 डालोगे तो 20 आ गया, 5 डालोगे तो 25 आ गया, इसलिए मैंने यहाँ पे लेस देन इक्वल। और कई बच्चे कहेंगे सर क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x सच डेट x इज 5n, वेयर n जो है वो आपका 0 से बड़ा है और 6 से छोटा है। हाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 0 से बड़ा 6 से छोटा वही होगी 1 से लेके 5 तक गिनती। तो ये आपके ऊपर है कि आप इसके अंदर ये इंग्लिश किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लॉजिक को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। आपको बस ये याद रखना है कि रोस्टर फॉर्म में आपको मैथमेटिकल टर्म्स में लिखना है, यानी कि इक्वेशन को ऐसे लिखना है, और सेट बिल्डर फॉर्म में आपको इसको सेट के रूप में लिखना है, सेट बना करके लिखना है। जैसे कि मैं एक और क्वेश्चन देता हूं आपको, इसके अंदर एक क्वेश्चन और करते हैं हम, इसको आपको समझ में आएगा। लेट अस सपोज वी हैव अ क्वेश्चन इन विच वी हैव 1, 4, 9, --100। पहले तो ये बताओ ये किस फॉर्म में दिया हुआ है, ऑब्वियसली ये हमें मैथ की फॉर्म में दिया हुआ है, यानी कि रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली इसको किस में कन्वर्ट करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखूंगा, इसको ऐसे लिखूंगा एक्स सच डेट एक्स इज, अब ये क्या है ध्यान से देखो, ध्यान से देखो तो ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर है, तो इसको ऐसे लिख दूंगा एन का स्क्वायर, क्योंकि एन नीचे है वो वेरिएबल है और वो स्क्वायर तो फिक्स है, वेयर एन स्क्वायर, वेयर
वेयर एन जो है उसकी वैल्यू किस किसके बीच में है, एन की वैल्यू आपकी एक और एन की वैल्यू आपकी किस किसके बीच में है, इसको करेक्ट करते हैं, इसकी वैल्यू एन की वैल्यू हमारी एन की वैल्यू हमारी एक और दस के बीच में, तो वन एंड टेन इसको ऐसे लिख देंगे। आप कहेंगे सर मैं जीरो से ग्यारह लिख सकता हूँ, जीरो और ग्यारह के बीच में लिख सकता हूँ, हाँ वो भी सही है, वैसे भी चल जाएगा। ठीक है, तो आपको होप ये समझ में आ गया होगा, ये रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, इट इज़ वेरी इजी। एक क्वेश्चन और इसके अंदर जो टिपिकल क्वेश्चन बनता है और ये आपको एंट्रेंस में मिलेगा, कोई भी एंट्रेंस आप दे रहे होगे उसमें जरूर मिलेगा, ये एक स्पेशल टाइप है। आपको कभी कभार कोई वर्ड दे देते हैं, मैं अपना ही नाम ले लेता हूँ पवन, आपको बोलेगा पवन को आपके पास ये लेटर ऑफ द वर्ड, लेटर ऑफ द वर्ड आपके पास कोई भी लेटर दे देगा, कोई भी वर्ड दे देगा, लेटर ऑफ द वर्ड पवन। ये अगर सेट बिल्डर फॉर्म में आएगा तो ऐसे आएगा, सेट बिल्डर फॉर्म में इंग्लिश में ऐसे लिखेगा कि लेटर ऑफ वर्ड वर्ड पवन। इसको ऑब्वियसली ये इंग्लिश में दिया हुआ है तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, हमें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो आपको ये याद रखना है इसका आंसर क्या होगा। रोस्टर फॉर्म में आपको याद रखना है कोई भी अक्षर रिपीट नहीं करना और उसको कोमा कोमा करके लिख देना, सिंपल माइंड इट, कोई भी अक्षर रिपीट नहीं करना, जैसे ए दो बार आ रहा है तो उसको रिपीट नहीं करना बस, और बाकी सबको कोमा करके लिख देना, तो दिस इज वेरी इजी टू कन्वर्ट। एक और आपके जो बुक में बड़ा फेमस वर्ड है, लेटर ऑफ द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, टी आर वाई, बड़ा आसान है, इसको मेरे को कन्वर्ट करना है रोस्टर फॉर्म में, तो रोस्टर फॉर्म में मैंने आपको बताया आपको करना क्या है, टी कोमा आर कोमा आई कोमा जी कोमा ओ कोमा एन, रिपीट नहीं करना, ओ एम आएगा, ई आएगा, टी नहीं आएगा, आर नहीं आएगा, वाई आएगा, तो दिस इज वेरी इजी। आई थिंक आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये सेट बिल्डर फॉर्म है, ये जो मैंने आपको लिख के दिया है ये सेट बिल्डर फॉर्म है, ये जो मैंने आपको लिख के दिया है ये सेट बिल्डर फॉर्म है, और ऊपर वाला जो था वो आपका रोस्टर फॉर्म है। तो आई होप तुम लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, जब भी कभी आपको ऐसे लेटर का वर्ड्स वाला आ जाए तो आपको उसको ऐसे अलग अलग करना है, उसमें रिपीट नहीं करना, बाकी सारे क्वेश्चन लॉजिक वाले हैं, आपको लॉजिक को समझ के करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर फर्स्ट एक्सरसाइज, पहली एक्सरसाइज के अंदर, इसके अलावा आपको कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा। होप you will able to solve all the question by watching these, and we will cover other in the next